हे दोस्तों, एक दिन ना मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और वो दिखने में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि यार क्या हो गया, तो इतना परेशान क्यों दिख रहा है, सब ठीक है? बड़े सैड और चिड़चिड़ेपन में उसने बोला, अरे भाई कोई एक परेशानी हो तो बताओ, परेशानियाँ ही परेशानियाँ भरी है ज़िंदगी में, ख़त्म ही नहीं होती साली परेशानियाँ। फिर मैंने बोला कि अरे ठीक है यार, क्या परेशानी बता, तो शायद मैं कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ। इसके बाद उसने वो प्यार के पंचनामा के रज्जो जैसा बोलना स्टार्ट किया कि देख साला, मेरे पास है ना हिम्मत है, जज्बा है, जोश जुनून सब है, बट जिंदगी में करना क्या है वही समझ नहीं आता। जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, फ्रीलांसिंग करूँ, पैशन फॉलो करूँ, करूँ तो करूँ क्या, कन्फ्यूजन बहुत रहता है। कभी कोई एक चीज़ बोलता है, कभी कोई दूसरा दूसरी चीज़ सिखाता है, सब सुन सुन के मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ और फिर सोचने लग जाता हूँ, सोचता रहता हूँ दिन भर रात भर, नींद खराब हो जाती है रात की, इतना सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ कि करना क्या है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अभी तक ये नहीं करा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता हूँ लेकिन एक्शंस नहीं ले पाता। कभी कभी मोटिवेशन आता है ऐसी कोई वीडियोस देख के या फिर ऐसा करके, और एक्शन लेना स्टार्ट भी कर देता हूँ, लेकिन फिर कब जादू जैसे जमकट आता है और मोबाइल में रील्स देखने लग जाता हूँ, टाइम पास करने लग जाता हूँ, ये कब होता है समझ ही नहीं आता, फोकस ही नहीं कर पाता हूँ। ट्राई करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि गोल्स पे फोकस करूँ, प्लान्स बनाऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें करूँ, बट फोकस यहाँ से वहाँ जाता रहता है और फिर इंपॉर्टेंट काम भी नहीं कर पाता, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता हूँ कि यार कल करूँगा, परसों करूँगा। अपने आप को मैंने इतना बदलने का सोचा हूँ बट फिर भी बदल ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। देखो पता है, ये जो तेरी प्रॉब्लम है एक्चुअली वो तेरी प्रॉब्लम ही नहीं है, दुनिया में मैक्सिमम लोग की आज यही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट तुझे पता है, आज का जो टाइम है ना वो दुनिया का सबसे मुश्किल टाइम होते जा रहा है जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। क्या बात कर रहा है यार, मैंने तो ऐसे कई सारे वीडियोज़ में सुना हूँ कि आज का जो टाइम है वो अमीर बनने का सबसे ईजी टाइम है, सबसे ज़्यादा मिलियनर्स बिलियनर्स आज के टाइम पर ही बन रहे हैं। अरे दूसरे की क्या बात करूँ, मैं तो तेरे वीडियो में ये चीज़ सुना था, तूने भी एक वीडियो में बोला था ऐसे ही कुछ, राइट? हाँ सही पकड़ा तूने। बात ये है ना कि दोनों बातें सच है, बस पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। मतलब देख, आज का टाइम पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ईजी टाइम है लेकिन बस कुछ लोगों के लिए, जबकि मैक्सिमम लोगों के लिए आज का टाइम सबसे टफ टाइम है। और ऐसा क्यों? देख, बिकॉज मैक्सिमम लोगों का जो ब्रेन है ना वो काइंड ऑफ ब्रोक हो गया है, वो एडिक्टेड हो गया है, वीक हो गया है अलग अलग चीप डोपामिन ड्रग्स और डिस्ट्रैक्शन की वजह से। और ड्रग्स मतलब वो वाले ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया और ये बाकी सारे जो चीप डोपामिन हमें इंटरनेट से और अलग अलग वीडियो से अलग अलग चीज़ों से मिलता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। लोग आजकल कठपुतलियाँ बन चुके हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, इंटरनेट के, सोशल मीडिया के, जबकि कुछ लोग हैं जो लोग ना अपने ब्रेन को आज के इस टफ टाइम में भी ट्रेन कर रहे हैं, अपने ब्रेन का गुलाम बनने के बजाय वो लोग अपने ब्रेन को अपना गुलाम बना रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो इजीली आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज कंपटीशन में इतने डिसिप्लिन लोग है ही नहीं आज के टाइम पे। बस अनफॉर्चुनेट बात ये है ना कि तू भी इन मेजॉरिटी लोगों में आ चुका है, इसलिए इतना स्ट्रगल कर रहा है। ओके भाई ठीक है, समझ गया, बट फिर मैं उन स्पेशल लोगों में कैसे हूँ, उन टॉप 1% में कैसे हूँ, सोल्यूशन बताना। देख सोल्यूशन एकदम सिंपल है, ये जो टॉप 1% के लोग होते हैं ना यूजुअली वो लोग अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ पाते हैं बिकॉज वो लोग कुछ सुपर हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करते हैं। हैबिट टू बी डिसिप्लिन्ड, हैबिट टू कंट्रोल देयर ब्रेन। अरे यार ये हैबिट के ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छी आदतें मैं बना ही नहीं पाता हूँ। हाँ तो फिक्र मत कर, इसका सोल्यूशन भी मैं तुझे आज बताऊंगा, बट सबसे पहले ये समझ कि आज ना मैं तुझे हमेशा की तरह 7, 10, 15 हैबिट्स नहीं बताऊंगा बल्कि बस एक हैबिट बताऊंगा, एक सिंपल हैबिट जो बहुत पावरफुल है, जिसने एक्चुअली मुझे भी टॉप 1% में आने में हेल्प किया है। हाँ 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 मुझे पता है कौन सी सुपर हैबिट की बात कर रहा है तू, रीडिंग बोलेगा, तू बोलेगा किताब पढ़, राइट? उसने ही तेरी जिंदगी बदली, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है, सुपर हैबिट है ना। नहीं यार, सरप्राइजिंगली मैं तुझे रीडिंग नहीं बोलने वाला था। तुझे पता है मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ा और वो बुक पढ़ते ही मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, रीडिंग एक्चुअली में पहला स्टेप तो था मेरी जिंदगी को चेंज करने का, लेकिन उसके बाद जो मैंने हैबिट अपने अंदर डाली, एक सिंपल हैबिट, उसने ही एक्चुअल में मुझे मेरे सारे गोल्स तक पहुंचाने में हेल्प करी है। उसी एक हैबिट ने मुझे टॉप 1% में आने में हेल्प करी है। अच्छा कौन सी हैबिट है यार, बताना। वेल वो हैबिट है द हैबिट ऑफ राइटिंग, और नॉर्मल राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट्स लिखने की बात कर रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट लिखना ही ना मेरे लिए एक तीर से दो शिकार नहीं बल्कि 7 शिकार जैसा हो गया है, एक सुपर हैबिट जिसने मेरी 7 जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है, और यही वो हैबिट है जो तुझे भी अपने अंदर लाना चाहिए। अच्छा एक तीर से 7 शिखर, ये क्लियर करना, थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे। देख करता हूँ, फिक्र मत कर, बट सबसे पहले ये वाली बात समझ कि देख जब तक मैं रीड कर रहा था ना तब तक बस मैं एक कंज्यूमर था, लाइक मैक्सिमम 99% लोग जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया
मैं कंज्यूमर से हटके क्रिएटर बनने के डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग गया और यहीं पे सारा मैजिक हुआ। तू जॉर्डन पीटरसन को जानता है? वो 12 रूल्स फॉर लाइफ के ऑथर जो है। हाँ, बहुत स्मार्ट इंसान है यार, उनके बहुत वीडियोज़ देखा हूँ मैंने। हाँ तो उनका ये वाला वीडियो भी देख। देख ये वीडियो में भी कैसे जॉर्डन पीटरसन बता रहे हैं कि राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है रीडिंग के बाद। और यही चीज़ मैंने भी नोटिस करा कि बुक्स पढ़ना, चीज़ें सीखते रहना वीडियोस से, पॉडकास्ट से, ये ना आपकी मेंटेलिटी बनाने में हेल्प करता है, जो बेसिकली आप ज़िंदगी में कितना सक्सेसफुल हो सकते हो उसका पोटेंशियल बढ़ाता है। लेकिन इससे आप अमीर बनते नहीं हो। एग्जाम्पल समझ, एक बैग है, ठीक है? अब ये जितना बड़ा बैग होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर तू रुपये डाल सकता है। तो रीडिंग है ना, उससे क्या होता है, उसका पोटेंशियल बढ़ता है। मतलब बैग कितना बड़ा, बैग का साइज़ हो सकता है, वो बढ़ेगा रीडिंग से। लेकिन जैसे ही तू राइटिंग करना स्टार्ट करेगा तब तेरे उस बैग में एक्चुअल में पैसे आना स्टार्ट होंगे। और वो कितने आ सकते हैं वो डिपेंड करता है कि तू कितने अच्छे से राइटिंग कर रहा है और चीज़ें क्रिएट कर रहा है। चल ठीक है यार, समझ गया राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये राइटिंग की हैबिट भी मैं कैसे बना पाऊंगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मुझे पता तो है अच्छी आदतें बनानी होती है, बट मैं अच्छी आदतें बना नहीं पाता, उसका सोल्यूशन क्या है? देख हाँ राइट, देख मुझे पक्का पता है कोई भी हैबिट बनाने में इश्यूज आते ही हैं, स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ तुझे पता ही है कि हमारे दिमाग में 60-70 हज़ार थॉट्स डेली आते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से पता चला था कि आजकल नॉर्मल अमेरिकन्स 36 GB डेटा डेली कंज्यूम करते हैं, मतलब चीज़ें देखते रहते हैं, नई बातें, अलग अलग कंटेंट। और हम इंडियंस भी इतने पीछे नहीं हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब नई नई चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज तुझे शायद पता ही होगा, नहीं पता तो बता दूँ कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसे तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे मिल रही है। अब उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बैठा के उस पर एक्शन लेना है, ये वो नहीं समझ पाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इतना ज़्यादा है। सोल्यूशन ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तुझे अलग अलग एंगल से समझनी पड़ेगी, इमोशनल लॉजिकल रीजन से। वो भी तुझे रिपीट करके ये चीज़ को सीखना पड़ेगा ताकि तेरे ब्रेन को रियलाइज हो कि हाँ सच में राइटिंग इंपॉर्टेंट है। और ये भी उन हज़ारों नॉलेज वाले वीडियोस की तरह नहीं है जैसे तूने एक बार देख लिया और बस भूल जाना है, आगे नेक्स्ट चीज़ पे जाना है। ओके मेक सेंस। बेसिकली तू ये बोल रहा है राइटिंग की हैबिट कितनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जितना हम अलग अलग एंगल से, जितना वाई क्लियर कर लेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि मैं लिखना स्टार्ट करूँगा और हैबिट बना पाऊँगा, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा तो राइटिंग इंपॉर्टेंट है, उसका वाई स्ट्रॉन्ग करना है ताकि ब्रेन को वो सबकॉन्शियस लेवल पे इंपॉर्टेंट लगे, उसके लिए क्या करना है? देख मैंने तुझे पहले ही बताया था ना 1 तीर से 7 शिकार वाली चीज़, मैं तुझे अभी वही चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। इससे तेरे ब्रेन को इमोशनली और लॉजिकली कई सारे रीजंस दिखेंगे जिससे तू राइटिंग की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ताकि तुझे ये बात एकदम अच्छे से याद रह सके, इसलिए मैंने क्या किया है ना, वो जो 7 प्रॉब्लम्स है जिसमें से मैक्सिमम तू भी फेस कर रहा है, उसके सोल्यूशन को मैंने एक एक्रोनिम दे दिया है स्क्रिप्ट्स नाम का। अगर तू नोटिस करेगा तो स्क्रिप्ट्स में 7 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, SCRIPTS। ये जितने अल्फ़ाबेट है ना, ये सब चीज़ एक ना एक प्रॉब्लम्स की तरफ इंडिकेट करते हैं और उसके सोल्यूशन की तरफ इंडिकेट करते हैं जो राइटिंग से तुझे मिल सकते हैं। सो अभी मैं क्या करूँगा कि एक एक करके स्क्रिप्ट के वही 7 लॉजिकल और इमोशनल रीजन्स तुझे बताऊँगा ताकि ये बात तेरे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए कि राइटिंग या हैबिट तुझे अपनी ज़िंदगी में लाना ही लाना है, ठीक है? साउंड्स इंटरेस्टिंग यार, बता स्क्रिप्ट्स किस लिए स्टैंड करता है? चल ठीक है बताता हूँ। स्क्रिप्ट्स का एस स्टैंड करता है सिंथेसिस के लिए, सिंथेसाइजिंग थॉट्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन। तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार कि तू किसी से बात कर रहा है, बहस कर रहा है, और फिर बात खत्म हो गई, हर चीज़ खत्म हो गई, और कई घंटे बाद तुझे रियलाइज होता है कि यार उसने वो बोला था तो मुझे उसके ऊपर ये बोलना चाहिए था, यार इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो मैंने उसको बोल ही नहीं पाया, उसको सुना ही नहीं पाया मैं ये चीज़। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, बहुत बार होता है ऐसा मेरे साथ तो। वेल ये सब इसलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग कितना अपनी थॉट्स को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। और ये चीज़ जॉर्डन पीटरसन भी बोलते हैं कि जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है ना, आपका ब्रेन कंसाइस वे में इंफॉर्मेशन को पोर्ट्रे करना सीख पाता है। तू खुद नोटिस कर, जितने भी टीवी शोज़ या हर एक चीज़ होती है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं बोला जाता है कि बस आपका जो मन कर रहा है वो बोलते जाओ, नहीं, उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है और वो स्क्रिप्ट के हिसाब से वो लोग उस चीज़ को बोलते हैं, तभी वो लोग कम टाइम लेके ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सिमिलरली जब तू लिखना स्टार्ट करता है तो तू जो अपने थॉट्स है ना, जो कई बार बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं, वो तू पेपर पे ला पाएगा तो तेरे ब्रेन को भी समझ में आ पाएगा कि कैसे तू अपने थॉट्स को बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तूने ये भी नोटिस किया होगा कई बार कुछ लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, बट स्टिल वो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा इतना टैलेंटेड नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि वो बेटर तरीके से कम्युनिकेट करता है अपने बॉस के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, इसीलिए उसको हायर पोजीशंस मिलता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ यार ये भी मैंने बहुत ऑफिस में देखा है बहुत बार। एग्जैक्टली।
तो इसका भी सलूशन वही है, राइटिंग। अगर तू लिखना स्टार्ट करेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और यही है स्क्रिप्ट का एस, जो है सिंथेसाइज थॉट्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन। सेकंड स्क्रिप्ट का सी स्टैंड करता है क्लैरिटी के लिए। चल मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तेरी ड्रीम कार कौन सी है? मेरी ड्रीम कार है फरारी। अरे नाइस, कौन सी फरारी, मतलब मॉडल कौन सा है? अरे यार वो तो नहीं पता मेरे को, मॉडल ये सब मैंने कभी सोचा नहीं इतना डिटेल में। देख यही प्रॉब्लम है, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तुझे नीचा फील कराना नहीं चाहता हूँ, बस मुझे तुझे एक बात समझानी थी। मैक्सिमम लोगों को ना पता ही नहीं होता है कि उन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या जिंदगी में, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती है, और क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती है इसलिए ब्रेन को क्लियर मैसेज नहीं जाता है कि चाहिए क्या। इसीलिए जब ब्रेन के पास डेली बेसिस पे दो तीन ऑप्शन आते हैं कि या तो उसे उस फरारी के लिए काम करना है जो पता नहीं कौन सी फरारी है, कब मिलेगी, क्या है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक मोबाइल फ़ोन है जिसे मैं अभी उठाऊंगा, अब भी कुछ वीडियो देखूंगा तो मुझे अच्छा फील होगा, तो ब्रेन के लिए ये लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ होता है जिसके वजह से ब्रेन मोबाइल को ही चूज करता है। अच्छा तो तेरा मतलब ये है कि अगर मैं स्पेसिफिकली फरारी का नाम लिखूंगा, उसका मॉडल नंबर पैसे लिखूंगा तो मुझे वो मिल जाएगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन तेरे दिमाग को एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार मुझे ये 4,50,00,000 की गाड़ी चाहिए। अब 4,50,00,000 के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ कमाने के लिए, उसके कमाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। बेसिकली तो एटलीस्ट एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है और एक प्लान बना सकता है। हमारे ब्रेन को प्लान्स बहुत पसंद होते हैं, और उसके बाद जब प्लान आ जाता है तो उसे क्लैरिटी मिलती है कि इस तरीके से एक्शंस लेना है। हाँ यार तूने सही बोला, मैंने ना एक टेडेक्स भी देखा था, उसके अंदर भी ये चीज़ बताई गई थी कि नंबर वन रीज़न जिसकी वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो और कुछ नहीं होता है, बस होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। इसीलिए ऑथर भी यही समझाते हैं इस बुक में जो मैंने तुझे बताया था जिस बुक के बारे में, कि अगर तुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है तो बस ये मत सोचते रहे कि गोल्ड मेडल जीतना है, बल्कि स्पेसिफिक हो जाओ कि यार मुझे 100 मीटर्स की जो रन है वो 9.7 सेकंड्स में कंप्लीट करनी है। जब तू ऐसा स्पेसिफिक हो जाएगा तब तेरे ब्रेन को और समझ में आएगा कि हाँ ये करने के लिए उसे और क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी। बिकॉज याद रख, ब्रेन को ना प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और उसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। और यही है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो राइटिंग से आपको मिलती है, वो है क्लैरिटी। तो नोटिस करना, जो इंसान के पास क्लैरिटी होती है, विजन होता है, वही इंसान जिंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ता है कंपेयर टू उस इंसान के जिसे पता ही नहीं होता, जो सिर्फ विशफुल थिंकिंग कर रहा होता है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो राइटिंग से मिलेगी वो याद रख, वो है क्लैरिटी। थर्ड चीज़ जो आती है स्क्रिप्ट्स की आर जो है रियलाइजेशन। चल अगेन तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तेरे पास समझ 10 लोगों का उधार है, ठीक है, और 10 लोगों से तूने अलग अलग पैसे उधार लिए, अब तुझे वो उधार खत्म करना है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? पता नहीं यार, जो सबसे बड़ा उधार है मैं तो ट्राई करूंगा कि वो सबसे बड़ा वाला उधार पहले खत्म करने की कोशिश करूँ। नहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एक बुक है टोटल मनी मेकओवर, उसके अंदर ऑथर बताते हैं ना कि अगर तेरे पास समझो 10 लोगों के उधार पड़े हुए तो सबसे पहले तो उस उधार को खत्म करने की कोशिश कर जो सबसे छोटा है। इससे क्या होगा, जब छोटा उधार कंप्लीट हो जाएगा तो तेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, चल एक उधार खत्म कर दिया, फिर तू सेकंड जो सबसे छोटा उधार है सेकंड उसको खत्म कर, और ऐसे ही जब तू करेगा तो एक स्नोबॉल इफेक्ट होगा जिसकी हेल्प से धीरे धीरे तू अपना सबसे बड़ा उधार भी खत्म कर पाएगा। सिमिलरली जब भी हम एक्शंस भी लेने जाते हैं तो कई बार यही गलती करते हैं कि हम लोग सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार हम लोग है ना थिंकर मोड से एक्शन मोड पे नहीं आ पाते हैं, डूअर मोड पे नहीं आ पाते, जबकि अगर तुझे डूअर मोड पे आना है तो तुझे सिंपल स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटा स्टार्ट करना पड़ेगा। और राइटिंग की इतनी कमाल की हैबिट है ना, जो है तो बहुत छोटी सी चीज़, सिर्फ एक पेपर पे लिखना है, लेकिन जैसे ही तू लिखना स्टार्ट करता है तो थिंकिंग मोड से एक्शन मोड पे आने लग जाता है, जिससे अगेन तुझे कॉन्फिडेंस आता है, तुझे पेपर पे चीज़ें दिखने लग जाती है जो रियलिटी के एक कदम और नज़दीक है। ये होता है स्क्रिप्ट का आर। फोर्थ आता है स्क्रिप्ट का आई, जो स्टैंड करता है इनसाइट के लिए। चल तुझसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, तू सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा है क्योंकि तू बहुत सारी चीज़ों से डरता होगा, तो कौन सी चीज़ों से डरता है जिसके जैसे तू सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ से डर। अगेन देखिए, क्लैरिटी ना होने का रीज़न है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तू किसी चीज़ से नहीं डरता है। हम सब इंसान हैं, हम सब किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं। चल एग्जाम्पल के लिए मैं तेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे याद है तूने खुद भी बोला है कि तुझे अंधेरे से या रात में एकदम अकेले टीवी देखने से भूत से काइंड ऑफ डर लगता है, भूत प्रेत वाली चीज़ों से, राइट? हाँ, वो सब चीज़ से डर लगता है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करते को पता है, जो हॉरर मूवीज़ भी होती है, हॉरर मूवी में भी जो हमें डर लगता है वो सबसे ज़्यादा डर बताओ कब तक लगता है? जब तक वो भूत सामने नहीं आता है, हमें जब तक पता ही नहीं होता कि भूत कैसा है, दिखता है, क्या है वो, जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है तब तक हमें भूत ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमें डायरेक्टली अंधेरे से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है कि यार अंधेरे में कोई भूत तो नहीं है। कई लोगों को पानी से डर लगता है, समुंदर से डर लगता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनको समुंदर से डर नहीं लगता, उनको डर लगता है कि समुंदर के नीचे कहीं कोई बहुत बड़ा जानवर तो नहीं है, कोई बहुत
खतरनाक चीज़ तो नहीं जो उनको खा लेगी। ऐसे ही जो डर होता है ना वो यूजुअली अननोन चीज़ों से ज़्यादा लगता है। इसलिए अभी मैं क्या करता हूँ पता है, अभी तुझे मैं 10 टाइप के कॉमन डर बताता हूँ जो हर इंसान में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो होते ही है। इससे क्या होगा कि तुझे क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ किस चीज़ों से तुझे डर लगता है, और एक बार तुझे सब समझ में आ गया कि हाँ इन 10 में से मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, तो वो ऐसा भूत जैसा हो जाएगा जो तुझे दिख चुका है, अब तू उसके बारे में कुछ कर सकता है। समझ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मेक सेंस? ठीक है, तो चल मुझे तुझे बताता हूँ 10 टाइप के डर कौन से होते हैं। पहला डर होता है द फियर ऑफ इनएडिक्वेसी। हमें लगता है कि यार हमारे अंदर ना वो बात ही नहीं है कि हम वीडियोस बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड डर होता है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें लगता है कि यार आज मैं मेहनत करूंगा, आज कुछ भी करूंगा, कल कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। थर्ड डर होता है फियर ऑफ फेलियर, कि यार मैंने मेहनत करके कर भी दिया लेकिन अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो। फोर्थ होता है फियर ऑफ रिजेक्शन, मैंने कुछ किया लेकिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। फिफ्थ होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार सब लोग ये स्टार्टअप कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। सिक्स्थ फियर ऑफ चेंज, हमें ना चीज़ें बदलना पसंद नहीं होती है। जैसी चीज़ें चल रही है कई बार उसमें हमें लगता है कि हाँ इधर हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदा है, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा तो सही है, कंफर्ट जोन में रहना बोल सकता है, इसलिए फियर ऑफ चेंज भी आता है। फिर आता है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। कई बार हमें लगता है कि यार क्या होगा अगर हमें मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं रहा तो। फिर आता है फियर ऑफ बीइंग जज, लोग क्या कहेंगे, इसका डर। नाइन्थ आता है फियर ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, कि अगर मैंने कुछ किया लेकिन उसके जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया तो। लास्ट आता है फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, हम सबको हर्ट होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें हम नहीं चाहते कि हम कुछ करें और उसके बदले में हमें सिर्फ तकलीफ मिले। तो देख ये 10 टाइप के डर होते हैं, मैं चाहूँगा ना तो इन डर के बारे में भी जाके थोड़ा बहुत लिखे और रियलाइज़ करे कि इनमें से कौन से डर तुझे सताते हैं। और ये भी जब तू लिखेगा तो अगेन ये चीज़ तुझे निडर बनाएगी, मतलब कॉन्फिडेंस देंगी। और जैसा कि तुझे पता ही होगा वन ऑफ द बिगेस्ट चीज़ जो सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से अलग बनाती है, जो 1% को 99% से ऊपर लेके आती है, वो होता है उनका कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप के ऊपर, अपने काम के ऊपर, जो तुझे लाना ही है। और ये चीज़ जब तू करेगा, इनसाइट जब तुझे मिलेगी तो तू कॉन्फिडेंट बनने लग जाएगा। हाँ यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। अब नेक्स्ट बता, नेक्स्ट क्या आता है? स्क्रिप्ट का पी किसके लिए आता है? स्क्रिप्ट का पी आता है साइकोलॉजिकल रिलीज के लिए। तुझे पता है अभी कुछ टाइम पहले मैं रॉबर्ट कियोसाकी जी से मिला था, उनकी बुक में मैंने ये चीज़ सीखी थी कि कई बार ना हम लोग अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें बना के रख लेते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अमीर लोग बुरे लोग होते हैं, अमीर लोग चोर होते हैं, अमीर लोग गरीबों का कभी भला नहीं सोचते हैं। ऐसे टाइप के हम लोग कई बार अपने दिमाग में मेंटल ब्लॉकेजेस डाल लेते हैं, जिसके वजह से क्या लगता है लोगों को, लगता है कि यार पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। जबकि रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या सिखाया रिच डैड पुअर डैड में, कि पैसा सारे फसाद की जड़ नहीं है, पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। तो ये भी एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से लोग है ना पैसे कमाने से भी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली घबराने लगते हैं कि कहीं मैं वो खराब इंसान ना बन जाऊं। ऐसी बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस जाने अनजाने में हमारे दिमाग में बन जाते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में बन जाती है, कई सारी इमोशनल वीकनेसेस और प्रॉब्लम्स होती है हमारे अंदर। और तुझे पता ही होगा इमोशन सबसे पावरफुल चीज़ होती है। सक्सेसफुल लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस करके बुक है, उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जिनका IQ बहुत ज़्यादा होता है, सक्सेसफुल लोग कई बार वो लोग होते हैं जिनका EQ बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनली जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए भी जो बेस्ट चीज़ तो तुम कर सकते हो वो है राइटिंग इट डाउन। कई बार जब हम लोग चीज़ें लिखते हैं तो हमारा दिमाग क्लियर होना स्टार्ट होता है, हमारे जो मेंटल ब्लॉकेजेस है वो पेपर पे आना स्टार्ट होते हैं, हमारी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है वो पेपर पे आना स्टार्ट होती है। और जैसे ही वो पेपर पे आती है हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, जिसके वजह से हम अपने इमोशंस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और ये कई सारे साइकोलॉजिस्ट लोग ये चीज़ बोलते हैं और तुझे भी करना चाहिए। अगर तू अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है, तुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुझे टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेंटली तू बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो तू कर सकता है, और ये चीज़ मैं अपनी बहन को भी सजेस्ट करता हूँ जिससे प्रॉब्लम होती है, मैं अपनी बहनों को और खुद भी करता हूँ, जब भी मुझे ज़्यादा मेंटल इशूज़ लगते हैं थोड़े बहुत तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। लिखने से मैं अपने इमोशंस को काफ़ी बेटर तरीके से हैंडल कर पाता हूँ, और तुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तुझे भी अभी भी प्रॉब्लम्स होती है। ऑब्वियसली मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है, बट लिखना एक बहुत अच्छा तरीका है, हैबिट है, जिससे मैं अपनी इन प्रॉब्लम से डील कर पाता हूँ। चल ठीक है नेक्स्ट बात है। अभी स्क्रिप्ट का टी स्टैंड करता है टास्क फोकस पे। लिखना हमें फोकस कराने में हेल्प करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड कराने में हेल्प करता है। चल अगेन एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तू लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता है? नहीं यार वो सब मुझे एकदम फालतू चीज़ लगती है, मुझे नहीं लगता लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है। चल ठीक है, बट क्या तूने कभी वो जिम कैरी वाली स्टोरी सुनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जहाँ पे जिम कैरी ने एक चेक पे 1 करोड़ लिख के रखे थे, $1 million लिख के रखे थे, डेट एंड टाइम लिख के रखा था, और जिसके बाद क्या हुआ उस चेक को वो हमेशा लेके घूमते थे, एंड गेस व्हाट, कुछ सालों बाद जिस डेट और टाइम पर उन्होंने लिखा था उससे पहले ही उन्हें $1 million का चेक मिला था डम एंड डमर मूवी के लिए। ये क्या हुआ था, तुझे क्या लगता है? पता नहीं यार क्या था, आई डोंट नो, बट
लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मुझे बहुत अजीब सा चीज़ लगता है, उसके पीछे कुछ लॉजिकल साइंटिफिक चीज़ नहीं लगती है मुझे, तो बस ऐसी हवा वाली बात लगती है। चल ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करता बट एटलीस्ट तू साइंस में बिलीव करता है, तो ये बोलना चाहता है राइट? हाँ एग्जैक्टली। तो देखो पता है साइंस में कॉन्सेप्ट है जिसे रास बोलते हैं, रास RAS है, विच स्टैंड्स फॉर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अच्छा ये क्या होता है भाई? देख तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तूने कोई गाड़ी के बारे में रिसर्च करी या खरीदी, कोई मोबाइल खरीदा फॉर एग्जांपल, उसके बाद क्या होता है कि वही वाला मोबाइल तूने और भी बहुत सारे लोगों के हाथ में देखा, या फिर वो गाड़ी को तूने बहुत बार रोड पे चलते हुए देखी? हाँ 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 यार ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ होती है कई बार। हाँ एग्जैक्टली, मेरे साथ भी हुआ था। अभी रिसेंटली मैं SUV के बारे में रिसर्च कर रहा था, मेरे एक रिलेटिव ने SUV ली किया की, तो मैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, एंड गेस व्हाट, रिसर्च करने के बाद थोड़ा बहुत उसके बारे में जानने के बाद मुझे ऑटोमेटिकली ना रास्ते पे बहुत सारी किया की गाड़ी, Hyundai की गाड़ी, MG की गाड़ी, ये सब SUVs दिखने लग गई। ये ऐसा क्यों हुआ? देख ऐसा तो नहीं था कि रिसर्च करने से पहले रोड पे वो वाली गाड़ियाँ कम थी और मेरे रिसर्च करने के बाद बहुत सारे लोगों ने खरीद ली, नहीं गाड़ियाँ पहले भी थी, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, उसके ऊपर अपना फोकस डाला, तो मेरा रास एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से हर जगह मुझे वही चीज़ दिखने लग गई। मेरा फोकस क्योंकि उन सारी चीज़ों से हटके, उन सारी गाड़ियों से हटके उस गाड़ी पर जाने लग गया जिस पर मैंने अपना टाइम दिया था। तूने ये चीज़ सुनी होगी ना, वेर एवर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज। ऐसे ही जिस भी चीज़ पर हम अपना फोकस ज़्यादा रखते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लोग लिखते हैं, जिस गोल्स के बारे में हम लोग लिखते हैं, हमारा दिमाग फिर कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ और वो सारी चीज़ें दिखाने लग जाता है जो पहले भी थी लेकिन दिख रही नहीं थी, बट अब दिखने लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ कई बार हम लोग लेते हैं और फिर वो सपना जो हम देख रहे थे, जिसके बारे में हम लिख रहे थे, वो रियलिटी बन पाती है। इसीलिए अगेन ये रास को एक्टिवेट करने के लिए भी आपके लिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में जहाँ पे हज़ारों चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से फोकस हटा के आप उन चीज़ों पे फोकस कर सको जो एक्चुअली में आपको चाहिए, वो फरारी गाड़ी जो एक्चुअली तुझे खरीदनी है। जब तू ऐसा करेगा तब तेरा ब्रेन तेरा दुश्मन बनने के बजाय तेरा दोस्त बन जाएगा, जिसे तू कंट्रोल करके उस ड्रीम तक पहुंच सकता है। और लास्ट स्क्रिप्ट्स की सबसे अच्छी बात है वो यही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब हम लिखते हैं तब हम अपने बारे में और ज़्यादा जानना स्टार्ट करते हैं, और जब हम अपने बारे में जानना स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ इंप्रूवमेंट करके एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तुझे पता है ट्रेडिशनल एजुकेशन में मैंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, हम सब लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बहुत सारे साल लगा देते हैं, बट कई बार उतना सब कुछ करने के बाद भी हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। जब मैंने सेल्फ एजुकेशन पर फोकस किया, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस किया, एक दो साल बाद ही मैं लाखों रुपए कमाने लग गया। क्यों? अगेन क्योंकि मैंने बुक पढ़ने के बाद लिखना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कहीं ना कहीं मुझे मेरा पर्पस भी समझ में आया। कई बार हम कन्फ्यूज़ होते हैं ना कि हमारा पैशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, अगेन लिखने से हम अपने आप को समझ पाते हैं। हाँ यार काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताया, लेकिन तूने लिखने से ये सारे फायदे तो होते हैं, बट मुझे लगता है एक और फायदा है जो तूने अभी तक नहीं बताया, वो ये है कि लिखने से फिर हम कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं तेरी तरह। बट लिखने के टाइम भी कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फोकस करनी चाहिए, मतलब मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, ताकि शायद मैं ये सारे फायदे उठाने के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर भी बन सकूं। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देख पिछले 6-7 साल में मैं कंटेंट राइटिंग कर करके ना मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल सीखे हैं, स्पेसिफिकली देखूँ तो मैंने 26 प्रिंसिपल सीखे हैं जो अच्छी राइटिंग करने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल तेरी राइटिंग में स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, अगर तू स्टोरी टेलर बन गया तो बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तुझे राइटिंग में अपने एनेक्डोट्स शेयर करना चाहिए, मतलब तेरे एक्सपीरियंस जो तेरे साथ हुए हैं, फैक्ट्स नंबर्स, और ऐसी 26 फंडामेंटल चीज़ें मुझे समझ में आई है जो अच्छा कंटेंट राइटर बनाने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो अगर तू उस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली मैं तुझे अभी एकदम डिटेल में यहाँ पर समझा नहीं पाऊंगा, उसमें घंटों जाएंगे, तो एक काम करना मैंने कोर्स बनाया तू जाके वो ले सकता है। अच्छा अभी मैं स्टोरी से बाहर आऊँगा दोस्तों और आप लोगों को बोलूँगा, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 6-7 सालों में ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग राइटिंग की ये है कि आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर भी बना सकता है। और आपको पता ही होगा आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है आपको अलग अलग तरीके से, नेम फेम मनी इज्जत हर एक चीज़ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में कई बार नहीं मिल पाती है वो कंटेंट क्रिएशन से आपको मिल सकती है। और कंटेंट क्रिएशन करने के लिए अगेन राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ करी है। आपको पता है मैंने ना हर एक चीज़ आप एनिमेशन स्टाइल एडिटिंग ये सब चीज़ें मैंने डेलीगेट कर दी, बट एक चीज़ जो मैं डेलीगेट नहीं कर पाया वो थी मेरी राइटिंग का स्टाइल, राइटिंग की चीज़, वो चीज़ मैं एकदम अच्छे से नहीं कर पाया। और मैं नोटिस करता हूँ जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार ज़्यादा मिलता है जब मैं एग्जैक्टली लिखता हूँ। इसलिए मैं राइटर्स अच्छे ढूंढता भी रहता हूँ, मैं हायर भी करता रहता हूँ, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं मैंने एक कोर्स भी बनाया है, कंटेंट राइटिंग का कोर्स,
जिसमें मैंने 26 प्रिंसिपल्स बताए हैं जो अच्छी राइटिंग करने के लिए आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन 26 फंडामेंटल्स को समझ लोगे तो आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो, और फिर आप उस राइटिंग का यूज़ करके ये सारे फायदे तो उठा ही सकते हो, बट उसके साथ साथ कॉन्टेंट भी क्रिएट कर सकते हो, अच्छे फॉलोअर्स और अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। सो अगर उस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सीखना चाहते हो कि लिखना कैसे चाहिए एग्जैक्टली, मेरे पिछले 6-7 साल की लर्निंग को मैंने कंप्रेस करके उसे 26 प्रिंसिपल्स में पैक कर दिया है और उसका मैंने एक कोर्स बनाया जो आप जाके ले सकते हो। पहले मैंने सोचा था कि ये कोर्स मैं 5,000 में बेचूंगा, 10,000 में बेचूंगा, बट अभी के लिए मैंने सोचा है कि नहीं, उसको काम करता हूँ, मैं आपको एकदम सस्ते में ही देता हूँ। मैंने वो कोर्स का प्राइस रखा है सिर्फ 999, बहुत कम प्राइस रखा है। ट्रस्ट मी, जो बातें मैंने उस कोर्स में सिखाई है, उस बातें को सीख के स्क्रिप्ट लिखते हो, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बनते हो, तो मैं खुद आपको एक एक स्क्रिप्ट के मैं 2,000, 3,000 या उससे भी ज़्यादा आप लोगों को मिल सकते हैं और मैं खुद भी दे सकता हूँ आपको। तो वो कोर्स जाके जरूर लो, मुझे भी कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती रहती है, मेरे जैसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती रहती है, कंपनीज होती है, सोशल मीडिया एजेंसीज होती है, वो सबको राइटर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती रहती है, बिकॉज अच्छा कंटेंट अच्छी राइटिंग से बनता है, ठीक है। अच्छी मूवी अच्छी स्क्रिप्ट से बनती है, अच्छी बुक अगेन अच्छी राइटिंग से बनती है, और उसके बेस पे कई बार बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट निकलता है। सो अगर आपको ये राइटिंग में इंटरेस्ट है और आप मुझसे सीखना चाहते हो एग्जैक्टली, मेरा जो सबसे पावरफुल चीज़ जो मेरे पास है, मेरी राइटिंग की स्किल, वो अगर आप सीखना चाहते हो जो मैंने पिछले 6-7 साल में सीखा है, तो बस आप सिर्फ 999 रुपीज़ में वो जाके कोर्स ले सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि अगर आपको वो कोर्स लेने के बाद पसंद नहीं भी आता है तो मैंने 7 डेज मनी बैक गारंटी भी रखी है। तो बस ज़्यादा सोचो मत, ट्रस्ट मी, अगर आप जाके वो कोर्स देखोगे तो आप अच्छे स्क्रिप्ट राइटर तो बनी जाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, उन सबके सोल्यूशन आपको मिल सकते हैं अगर आप राइटिंग करना स्टार्ट करते हो तो। और राइटिंग कैसे करना है एग्जैक्टली, क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है लिखते टाइम, वो चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो अगेन वो कोर्स जाके आप जरूर ले लेना, ठीक है। अगेन आते हैं स्टोरी पे। सो मेरे दोस्त को ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लगी, उसने तो बोला ये मैं तेरा कोर्स भी लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। उसने बोला कि 1,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, मैं ले लूँगा, और मनी बैक गारंटी भी है तो कोई टेंशन नहीं है, और मैं सीखता हूँ राइटिंग की स्किल सीखता हूँ, और ये सारी चीज़ें अगर मुझे लगता है कि मैं राइटिंग की हैबिट नहीं ला पा रहा हूँ तो उस दिन मैं वापस से जाके ये वीडियो को देखूंगा। बस हाँ, एक चीज़ हो सकती है तो तू कर दे, ये जितनी भी बातें तूने बताया उसका एक पेज का PDF बना दे, समरी बना दे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे वीडियो देखने का मन भी नहीं कर रहा तो भी मैं क्या करूँ कि एटलीस्ट उस PDF को देख के सारी चीज़ें रिवाइज कर लूँ, ताकि मेरे ब्रेन को वो लगे कि हाँ ये सच में इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि तूने ही बोला था ये हैबिट बनाने के लिए। चल ठीक है, मैं वो भी कर दूंगा, मैं एक पेज की PDF नीचे बना के डाल दूंगा। बस उसके लिए तुझे एक चीज़ करनी है, मेरा बुक क्लब जो है वो ज्वाइन कर लेना। जैसे ही तू बुक क्लब ज्वाइन करेगा, जो कि फ्री है, वो बुक क्लब ज्वाइन करेगा तो उसके कंटेंट सेक्शन में तुझे इसका एक पेज का PDF भी मिल जाएगा, ये पूरे वीडियो का, जो कि बहुत पावरफुल है। अच्छा चल, तूने इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दी, मेरा चल वाई तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है, और हाउ के लिए चल तेरा कोर्स भी है जो मैं देख लूँगा, बट और भी कुछ तरीके हैं लिखते वक्त जो हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे एग्जैक्टली लिखना चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्स, क्योंकि तेरा जो कोर्स है वो तो ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड है, पैसे कमाने से रिलेटेड है, फेम नाम इज्जत जैसे तूने कमाया वो सब चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा है, राइट? हाँ, बट अगर इन जनरल बात करो तो तुझे क्या लगता है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर तू चाहता है कि मैं कैसे लिखना चाहिए, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाओ और उसके अंदर डिटेल में अलग अलग तरीके बताओ जिससे तू और अच्छे तरीके से लिखना सीख सके, तो बस एक काम करना, जो बातें मैं तुझे बता रहा हूँ उसका मैंने वीडियो भी बनाया है, तो उस वीडियो को सेकंड पे लाइक ज़रूर करना, उस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को फॉलो करके ज़रूर रखना। देख, अगर इस वीडियो पे 10,000 के ऊपर लाइक्स आ जाते हैं और कमेंट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ कैसे एग्जैक्टली लिखना चाहिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मैं बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।